प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन के अंतर्गत हम अध्याय 4 के भाग 15 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 14 पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, क्या कहता है प्रश्न। नित्य, सत्य और मिथ्य साझेदार है जिनका लाभ हानि विभाजन अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 5:3:2। यानी कि पुराना अनुपात दिया गया है 5:3:2। 31 मार्च 2015 को तुलन पत्र यानी कि जो बैलेंस शीट दी गई है वो इस प्रकार है। इन्वेस्टमेंट का शेष दिया गया है 10,000, गुडविल 5,000, प्रीमिजेज 20,000, पेटेंट दिया गया है 6,000, मशीनरी 30,000, स्टॉक 13,000, देनदार 8,000 और बैंक का जो शेष दिया गया है वह है 8,000। इसके अलावा लेनदार 14,000 के, रिजर्व 6,000 के। देखिए, रिजर्व साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित किए जाते हैं, यानी कि 5:3:2 में हस्तांतरण। और कैपिटल दिया गया है 30,000 और 20,000, टोटल आ जाएगा 80,000। अन्य सूचनाएं, 1 अगस्त 2015 को मिथ्य की मृत्यु हो जाती है, यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 माह तक मिथ्य जो है फर्म में साझेदार रहता है। क्या जाएगा, अर्थात एक अप्रैल से 1 अगस्त तक 4 माह मिथ्य फर्म में साझेदार रहता है। यानी जो पूंजी पर ब्याज की गणना है, करंट ईयर में प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, इन सब में ध्यान में रखा जाएगा कि भाई साझेदार जो है वो 4 महीने के लिए था, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। आगे लिखा गया है, साझेदारों तथा मिथ्य के उत्तराधिकारी के बीच में समझौता इस प्रकार है। क्या समझौता किया गया है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 4 वर्ष के औसत लाभ के 2.5 गुने के बराबर होगा। गुडविल कितना है, जो 4 वर्षों का एवरेज लाभ है उसका 2.5 गुना करना है। ख्याति है, 4 वर्ष का लाभ जो दिया गया है 13,000, 12 और 13 में 12,000, 13-14 में 16,000 और 14 और 15 में आ जाएगा 15,000 रुपये। यह 4 वर्षों का लाभ दिया गया है। एवरेज लेंगे, 4 का भाग लगाएंगे, 2.5 से गुणा करेंगे, फर्म की ख्याति आ जाएगी और मिथ्य का हिस्सा कितना है, 2/10 करेंगे, मिथ्य का हिस्सा आ जाएगा जो कि शेष साझेदार उनके फायदे के अनुपात में वहन करने वाले हैं। पेटेंट का मूल्यांकन 8,000, मशीनरी का मूल्यांकन 25,000 तथा परिसर 25,000 रुपए पर हुआ, यानी कि यह पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है। पेटेंट 8,000 जबकि बैलेंस शीट में लिखा गया है पेटेंट 6,000, यानी कि 6,000 का मूल्यांकन किया 8,000 पर, 2,000 से संपत्ति के मूल्य में वृद्धि है। पेटेंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। नेक्स्ट इसमें लिखा है मशीनरी 25,000 रुपए, कितना है मशीनरी 30,000 रुपए, 30,000 का मूल्यांकन 25,000 पर किया जा रहा है, 5,000 रुपए से मशीनरी के मूल्य में कमी है। क्या प्रविष्टि हो जाएगा, संपत्ति के मूल्य में कमी, संपत्ति को क्रेडिट करते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा है परिसर 25,000, प्रेमिजेज 20,000। अब 20 का वैल्यूशन 25 पर कर रहे हो तो 5,000 से प्रीमिजेज के मूल्य में वृद्धि है, संपत्ति में वृद्धि, प्रीमिजेज अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट। यह है अपना पॉइंट बी। नेक्स्ट लिखा गया है मिथ्य के हिस्से के लाभ की गणना 14-15 के लाभ के आधार पर होगी। 14-15 में लाभ कितना दिया गया है, यह अपने को दे रखा है 15,000 यानी कि 15,000। तो 15,000 पूरे वर्ष का लाभ, यह 4 महीने साझेदार रहता है तो 4/12 करेंगे, यह आ जाएगा 5,000 और 5,000 में मिथ्य का हिस्सा 2/10 यानी 1,000 रुपए लाभ में जो हिस्सा है वो मिथ्य को दिया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट लिखा है 4200 रुपए का तुरंत भुगतान इमीडिएट पेमेंट किया जाए और शेष राशि 4 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में 10% ब्याज सहित किया जाना है। 4 बराबर इंस्टॉलमेंट चुकानी है और वह भी अर्धवार्षिकी जो है इनका भुगतान जो है वो किया जाना है। ऊपर लिखित के प्रभाव को दर्शाते हुए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियों का अभिलेखन करें तथा उत्तराधिकारी के खाते को दर्शाइए जब तक उसका पूर्ण भुगतान नहीं हो। 1 अगस्त 2015 को समायोजनों के प्रभाव के पश्चात नित्य और सत्य का तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट भी तैयार करना है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले जो रिजर्व है उसे साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में बंद किया जाए। जो गुडविल पुस्तकों में ख्याति गाथा खुला हुआ है उसे भी साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित किया जाए। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आ जाएगा सामान्य संचय जो कि दिया गया है प्रश्न में अपने को 6000 रुपए। सामान्य संचय कहते हैं या रिजर्व फंड कहते हैं। साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरित किया जाएगा। ओल्ड शेयरिंग रेशियो पुराने लाभ हानि अनुपात में जो कि अपने को दिया गया है 6532 में विभाजित सत्य नित्य सत्य और मिथ्य। ये नित्य में चला जाएगा 6000 5/10 यानी कि 3000। सत्य में यह राशि आ जाएगी 6000 यानी कि 1800 और मिथ्य में यह हिस्सा आ जाएगा 6000 फंड या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नित्य कैपिटल टू सत्यस कैपिटल टू मिथ्यस कैपिटल अकाउंट। अगला पॉइंट दिया गया है ख्याति के संदर्भ में जो ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ है उसे पुराने अनुपात में बंद करते हैं। लेखा मानक 26 के अनुसार यदि पुनर्गठन पर ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ है उसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। साझेदारों के पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में जो है 5000 को बंद किया जाए। ये आपका आ जाएगा पॉइंट नंबर 2। फर्म के पुनर्गठन की स्थिति में यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसे साझेदारों के पुराने अनुपात में बंद किया जाए। कितना दिया गया है 5000 रुपये। तो सबसे पहले आ जाएगा
नित्य का हिस्सा 5/10 × 5000 2500 रुपए का हस्तांतरण। सत्य का हिस्सा 1000 क्या प्रविष्टि करते हो? ऑल पार्टनर्स ALL ऑल इज वेल वाला ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यह बंद किया जाएगा। नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन दे रखा है? ये तो हो गया बैलेंस शीट के संदर्भ में रिजर्व P&L का हस्तांतरण, गुडविल का हस्तांतरण। अब देखिए अनुपात पर चर्चा कर लेते हैं, 5:3:2 यह पुराना अनुपात है। और सूचना के अभाव में जो साझेदार सेवानिवृत्त होता है या जिस साझेदार की मृत्यु होती है उसका हिस्सा छोड़ करके शेष साझेदारों का जो पुराना अनुपात है 5:3 वही नया अनुपात होगा और वही जो है आपका फायदा यानी अधिलाभ का अनुपात होता है। ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। पुराना अनुपात दिया गया है नित्य, सत्य और मिथ्या 5, 3 और 2। और क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत? तो सूचना के अभाव में सेवा निवृत्त या मृत्यु होने वाले साझेदार यानी कि मिथ्य को छोड़कर शेष साझेदारों, कौन है शेष साझेदार? नित्य व सत्य का पुराना अनुपात यानी कि 5:3 ही नया अनुपात तथा फायदा या अधिलाभ अनुपात होगा। और ख्याति जो कि मूल्यांकन किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है, उसमें निवृत्त साझेदार का हिस्सा शेष साझेदारों द्वारा फायदा या अधिलाभ का अनुपात यानी कि 5:3 में विभाजित किया जाएगा। और कितना दिया गया है इसके लिए पॉइंट लिखा गया है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 4 वर्ष के औसत लाभ के 2.5 गुने के बराबर है। और 4 वर्ष का लाभ दिया गया है 13, 12,000, 16,000 और 15,000, इनका एवरेज ले लेंगे, 4 का भाग लगाएंगे और जितना भी आएगा उसका 2.5 टाइम्स जो होगा वो ख्याति रहेगा। तो अगला पॉइंट आ जाएगा ख्याति हेतु समायोजन। सबसे पहले तो हम लेते हैं औसत लाभ कितना है, तो 4 वर्षों का जो है हमें लाभ यहां पर दिया गया है और लाभ की जो राशि है वो इस प्रकार है 13,000, 12,000, 16,000 और फिर दिया गया है 15,000 रुपए।
ये आ जाएगा 56,000 / 4 14,000 रुपए जो है आपका आ गया औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट। और ख्याति क्या है इसका, ढाई गुना दिया गया है। और इस 35,000 में मिथ्या का हिस्सा कितना है, 2/10 हिस्सा यानी कि 7,000 रुपए। और यह जो ख्याति की राशि है, जो 7,000 रुपए जो मिथ्या का हिस्सा है, शेष साझेदार यानी कि नित्य और सत्य के द्वारा जो भी उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात है, कितना दिया गया है, 5:3 में। क्योंकि 5:3 जो पुराना अनुपात है वही फायदे का अनुपात होना है, वही अधिलाभ का अनुपात होना है। क्योंकि जब तक सूचना नहीं दी जाए, फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं हो, जैसा कि हमने लिखा है जो पुराना अनुपात होगा वही फायदा या अधिलाभ का अनुपात होगा, तो उसी अनुपात में जो है वितरित किया जाएगा। कैसे, लेकिन इसे लिखेंगे पुराना अनुपात नहीं, शब्द फायदे का अनुपात ही काम में लिया जाएगा। हाँ, सूचना के अभाव में फायदे का अनुपात जो है वही पुराना अनुपात होता है, यह शब्द काम में लेंगे। मिथ्य को देय ख्याति में हिस्सा यानी कि 7,000 रुपए, शेष साझेदारों यानी कि नित्य तथा सत्य द्वारा अधिलाभ के अनुपात, पांच अनुपात तीन में वहन किया जाएगा। और क्या प्रविष्टि करते हैं इसके लिए, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस प्रकार से देखिए, कितना हिस्सा, 7,000 रुपए, कौन से अनुपात में, 5:3 में जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कितना आएगा, 4375 तो आ जाएगा नित्य का हिस्सा, और सत्य द्वारा कितना वहन किया जाएगा, 2625 रुपए। ये हो गया अपना ख्याति के संदर्भ में। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट ये अपने को दिया गया है पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में, और आगे लिखा है लाभ का हिस्सा गत वर्ष के लाभ के आधार पर रहेगा। 14 और 15 का जो लाभ है वो है 15,000 रुपए, उसी के आधार पर जो है मिथ्या का हिस्सा निकालना है। नेक्स्ट आ जाएगा चालू वर्ष के लाभ में मिथ्या का हिस्सा, ये किसके आधार पर किया जाएगा, 2014-15 का लाभ, ये अपने को दिया गया है 15,000 यानी कि 15,000 रुपए, और इसी को आधार मानते हुए करना है चालू वर्ष का
एक अगस्त तक लाभ। यानी कि 5,000। और इसमें मिथ्ये का हिस्सा कितना आएगा? 2/10 यानी 1,000 रुपए जो है लाभों में मिथ्ये का हिस्सा आएगा। बराबर 1,000 यानी रुपीज 1,000 रुपए जो है मिथ्ये का हिस्सा आ जाएगा। और इसके अलावा क्या दिया गया है? इसके अलावा कहा गया है 4,200 रुपए जो है वो तुरंत भुगतान किया जाए शेष 4 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में 10% ब्याज सहित भुगतान, ये अपने अलग से देख लेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो जनरल प्रविष्टि की जाएगी वो पुस्तकों में जितना भी ख्याति गाता खुला हुआ है उसे बंद कर देते हैं। 5,000 रुपए पर ख्याति गाता खुला हुआ था, लेखा मानक 26 के अनुसार यदि पुस्तकों में ख्याति गाता खुला हुआ है तो उसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। कौन से अनुपात में? पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात यानी 5:3:2 में जो है ये बंद कर देंगे। इसके लिए अपने ने वर्किंग नोट भी बनाया था, 5:3:2 में जो है यह राशि आ जाएगी 2,500 रुपए, 1,500 रुपए और 1,000 रुपए। ये तो हो गया ख्याति गाता हमने जो बंद कर दिया है। अब रिजर्व के संदर्भ में तो रिजर्व कितना दे रखा था अपना, वह भी बंद करना है। उससे पहले रिवॉल्यूशन संबंधी प्रविष्टि कर लेंगे ये रिजर्व बंद करने की। देखिए रिवॉल्यूशन में क्या कहा है, यहां लिखा है पेटेंट 8,000, जबकि बैलेंस शीट में पेटेंट लिखा है 6,000, तो 2,000 से वृद्धि है पेटेंट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। फिर आ जाएगा मशीनरी 25,000, जबकि बैलेंस शीट में कितना लिखा है 30,000, तो ये इनवर्स प्रविष्टि होगी रिवॉल्यूशन टू मशीनरी अकाउंट। जबकि यहां पर जो प्रीमिजेस का 25,000 लिखा है और बैलेंस शीट में जो प्रीमिजेस दी गई है 20,000, यानी 5,000 से वृद्धि है, तो प्रीमिजेस डेबिट टू रिवॉल्यूशन। यानी पेटेंट डेबिट 2,000, प्रीमिजेस डेबिट 5,000 टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 7,000 से, और रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी जो है वो 5,000 से आ जाएगी। किस प्रकार? देखिए ये रिवॉल्यूशन के संदर्भ में प्रविष्टि, पेटेंट में कितना वृद्धि था 6,000 था, मूल्यांकन 8 पर यानी कि 2,000 रुपए से जो है पेटेंट के मूल्य में वृद्धि। प्रीमिजेस का वैल्यूशन 5,000 रुपए अधिक पर किया गया था, टोटल आ जाएगा 7,000 यानी कि 7,000 रुपए। और इसी प्रकार मशीनरी में जो 5,000 की कमी थी वो आ जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 5,000 रुपए। अब क्या करेंगे रिवॉल्यूशन का अंतर, अंतर कैसे कि रिवॉल्यूशन 7,000 से क्रेडिट है और 5,000 से डेबिट है, यानी 2,000 से रिवॉल्यूशन पर क्या दे रखा है। देखिए डेबिट अगर ज्यादा है तो हानि होती है, क्रेडिट अगर ज्यादा है तो लाभ, यहां पर क्रेडिट ज्यादा है यानी कि लाभ है। क्या प्रविष्टि करेंगे? प्रविष्टि जो की जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए और साझेदारों में जो है उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरित। बेइंग प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वह भी कौन से अनुपात में? इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशियो, पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में। तो 2000 को 5:3:2 में डिवाइड कीजिए, 1,600 रुपए और 400 रुपए, यानी कि इस प्रकार से जो है साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरित या अंतरित किया जाएगा। अब देखिए रिजर्व कितना दिया गया था, रिजर्व था 6,000 का, जिसे साझेदारों में पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में यानी कि 5:3:2 में जो है डिवाइड करेंगे। इसका वर्किंग नोट भी हमने ऑलरेडी बना रखा है, राशि की जो गणना है वो ऑलरेडी हमने कर रखी है। रिजर्व यानी संचयों को जो है पुराने लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरण किया जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे गुडविल के संदर्भ में समायोजन, गुडविल का हमने वर्किंग नोट बनाया था, ये देखिए
ख्याति हेतु समायोजन क्या था, औसत लाभों का ढाई गुना। तो चार वर्षों का औसत लाभ निकाला, उसका 2.5 टाइम्स आगे ख्याति, और ख्याति में मिथ्या का हिस्सा 2/10 7,000। शेष साझेदार अपना अधिलाभ यानी फायदे के अनुपात में वहन करेंगे, और प्रश्न में अगर स्पष्ट सूचना नहीं हो तो जो पुराना अनुपात है वही फायदा या अधिलाभ का अनुपात होगा, यानी 5:3 में। नित्य डेबिट, सत्य डेबिट टू मिथ्य कैपिटल अकाउंट, इस प्रकार से गुडविल के संदर्भ में समायोजन प्रविष्टि करेंगे। ये आ जाएगा नित्य, सत्य और मिथ्य, 4,375 रुपए। ये तो आ जाएगा नित्य का हिस्सा, और सत्य द्वारा वहन किया जाएगा 2625, जबकि टोटल जो मिथ्य का ख्याति में हिस्सा था वह कितना दे रखा है, 7,000 रुपए। अब अगला समायोजन क्या है गुडविल के पश्चात, तो यह प्रश्न में दिया गया है लाभों के संदर्भ में, कहां दिया गया है देखिए, मिथ्या के हिस्से के लाभ की गणना वर्ष 2014-15 का लाभ और 14-15 का जो लाभ दिया गया है वो 15,000, यानी जो गत वर्ष का लाभ है उसे ही चालू वर्ष का लाभ मान लिया जाएगा, लेकिन पूरे वर्ष का लाभ नहीं लेना है। कितनी अवधि का, जब तक फर्म में साझेदार रहता है, और साझेदार कब तक था, 1 अगस्त तक। तो 15,000 का 4/5 किया, 4/12 किया 5,000, और मिथ्या का हिस्सा आएगा 2/10 1,000। यह प्रविष्टि जो है वो दर्ज कर दी जाएगी, ये लीजिए 1,000 रुपए से क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिथ्यास कैपिटल अकाउंट। अब जितना भी मिथ्या का हिस्सा बनता है उसके उत्तराधिकारी के खाते में हस्तांतरण कर दिया जाएगा, और इसकी गणना जो है वो किस प्रकार से की जाएगी, सबसे पहले हम इसका पूंजी का शेष देखते हैं। ये देखिए पूंजी का जो शेष दिया गया है वह है 20,000 रुपए। अब जितनी भी प्रविष्टि हो रही है उसमें मिथ्या का कैपिटल कितना है, देखिए 20,000 में डेबिट हुआ 1,000, घटा दिया जाएगा 19,000। यहां नहीं आया है मिथ्या कैपिटल, यहां पर भी नहीं आया है, यहां वापस क्रेडिट हो रहा है, तो 400 रुपए जो है जोड़े जाएंगे 19,400, 1200 रुपए जो है वो जोड़े जाएंगे 19,400 और 1200 कितने आ जाएंगे, 19 और एक 20,600, फिर 7,000 जो है यह भी जोड़े जाएंगे 27,600 रुपए। अब क्या करना है, इसमें से 1,000 रुपए इसका भी हस्तांतरण किया जाएगा, टोटल जो आ जाएगा मिथ्य का जो हिस्सा आ जाएगा वह आ जाएगा आपका 28,600 रुपए। ये जो है राशि जो है अपने को यहां पर हस्तांतरण करना है 28,600, इसमें से कितना तुरंत भुगतान किया जा रहा है, प्रश्न में कहा गया है कि 4200 रुपए जो है वो तुरंत भुगतान कर दिया जाए, कहां लिखा है ये देखिए 4200 रुपए तुरंत भुगतान, तो 4200 रुपए कर देंगे एग्जीक्यूटर टू कैश अकाउंट, ये यहां पर जो है इस प्रकार से दर्ज कर दिया जाएगा। तो 4200 का पेमेंट हो गया, तो पीछे कितना रहा, 4,000 घटा दिया, 24,400 रुपए जो है बैलेंस जो है वो एग्जीक्यूटर का रह जाएगा। अब इसका करना क्या है, ये कह रहा है चार समान किस्तों में, जो 24,400 है इसकी चार समान किस्तें जो है वो बनाई जाएगी, और ब्याज सहित ब्याज का भुगतान 6 महीने से जो है कैलकुलेट किया जाएगा, और पेमेंट जो है वो करना है। सबसे पहले तो मिथ्या का जो पूंजी खाता है उसका बैलेंस कितना आया था, वो आया था 28,600, और इसमें से क्या किया था हमने ने, तुरंत प्रभाव से 4200 रुपए का जो है वो आपका पेमेंट जो है वो कर दिया गया। कितना पेमेंट कर दिया गया, 4200 रुपए का। तो शेष कितना रहता है, देखिए शेष जो रहता है 28,600 माइनस 4200 बराबर 24,400 और चार समान किस्तों में है, यानी कि 6,100 प्लस उस पर जो ब्याज है
वो आपका जोड़ा जाए। ये चार समान किस्तों में क्या करना है, पेमेंट करना है, और प्रत्येक छह महीने से। फिलहाल हमने क्या किया है, 1 अगस्त को निवृत्ति पर जो बैलेंस था 28,600 लिख दिया, 4,200 रुपए जो है तुरंत भुगतान कर दिया। अब ब्याज की गणना कब होगी, तो अगस्त से गिनिए 6 महीने, अगस्त पूरा क्योंकि 1 तारीख है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी 31 जनवरी को 6 महीने होते हैं। 6 महीने का जो है ब्याज लगाया जाएगा किस पर, 24,400, ब्याज की दर है 10% और 6 महीने का आएगा 6/12, कितना आ जाएगा ब्याज, 1,220 रुपये। ये हम यहाँ पर जो है ब्याज की राशि रख देंगे, और इसी तारीख को जो है इंस्टॉलमेंट का जो है भुगतान करना है। इंस्टॉलमेंट कितने की है, 6,100 तो है ही, प्लस 1,220 जो है उस पर पेमेंट करना है अपने को ब्याज का, तो टोटल पेमेंट हो जाएगा 7,320। ये हो गया अपना 31 जनवरी। अब अगले इंस्टॉलमेंट कब आएगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 31 जुलाई या 1 अगस्त को पेमेंट करना है, लेकिन 31 मार्च को जो है खाते आपके अवश्य बंद होंगे, यानी कि जितना 24,400 दिया गया था इसमें से 6,100 का पेमेंट हो चुका है, तो जो 18,300 रहेगा उस पर ब्याज की गणना की जाएगी। 18,300 10% × 6/12, और ब्याज की जो राशि आएगी वो आएगी 305 रुपये। इस प्रकार से हम कर लेंगे कैलकुलेशन, और क्लोजिंग बैलेंस जो है बैलेंस शीट निकाल लेंगे, टोटल किया यहाँ का 30,125, टोटल दोनों तरफ लिख देंगे 30,125, और इसमें से दोनों राशियां 7 और 4 11,520 घटा देंगे, ये आ जाएगा 18,605 रुपये। और यही बैलेंस क्या करना है, आगे हस्तांतरण करना है 18,605। अब देखिए फरवरी और मार्च 2 महीने का ब्याज हो चुका है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का जो है इस पर ब्याज की गणना और की जाएगी। ये लीजिए 18,300, ब्याज की दर 10% और 4 महीने के हिसाब से 4/12। 4 महीने का क्यों, क्योंकि 2 महीने की हम ऑलरेडी कैलकुलेट जो है कर चुके हैं, 6 महीने लिख दिए क्या यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ आएगा आपका 2 महीने की कैलकुलेशन है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर 4 महीने के हिसाब से जो ब्याज है वह राशि आ जाएगी 610 रुपये। 31 जुलाई और 31 जुलाई को पेमेंट करना है, 6,100 तो है ही, प्लस ब्याज कितना है, 2 महीने का ब्याज तो यह आ जाएगा 305 और 4 महीने का ब्याज आ जाएगा 610। 205 प्लस 610, टोटल जो इंस्टॉलमेंट चुकाई जाएगी वो आ जाएगी 7,015। अब फिर अगले 6 महीने बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 31 जनवरी को पेमेंट किया जाएगा, पूरे 6 महीने इसी वर्ष में है, तो 6 महीने का जो है ब्याज निकाल देंगे। 18,300 में से 6,100 का पेमेंट हो चुका है, तो कितना बचा, 12,200, दर है आपकी 10% × 6/12 और यह राशि भी आ जाएगी 610। पेमेंट कितना करना है, 6,100 तो है ही, प्लस 610 जो है वो ब्याज आ जाएगा, यानी 6,710 का भुगतान। अब अगला पेमेंट कब होगा, जनवरी के बाद में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी 31 जुलाई को होगा, लेकिन उससे पहले ही 2 महीने बाद 31 मार्च आ गया, तो 2 महीने का ब्याज जो है जरूर निकाला जाएगा। जो बैलेंस बचता है 6,100, उसका 10% × 2/12 और यह ब्याज की जो राशि है वह आ जाएगी 102 रुपये। देखिए ब्याज का आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले अपना जो बैलेंस था
वो कितना था 24,400। जैसे ही एक इंस्टॉलमेंट चुकाई 6,100, अब बैलेंस रह गया आपका 18,300। और 18,300 के बाद में एक और 6,100 का पेमेंट किया गया तो अब ब्याज लगा है 12,200 पर, और 6,100 का पेमेंट हो गया तो अब राशि बच रही है 6,100, यानी 6,100 पर जो है ब्याज की गणना आपकी की जाती है। क्लियर है? तो यहां 102 राशि आ गई। अब क्या कर लेते हैं, इसका शेष जो है बैलेंस जो है वो निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा 19,927 रुपये, और इसमें से यह राशि 7 और 6 13,725 जो है घटा दिया जाएगा। जो बैलेंस है, जो शेष है, वो अपन यहां पर दर्ज कर लेंगे। जितना भी बैलेंस आ रहा है ये आ जाएगा आपका 6,202 रुपए, 19,927। और इसी शेष को हमें क्या करना है, आगे हस्तांतरण करना है 6,202। और जैसा कि अभी मैंने बताया था कि भाई ये जो ब्याज है अब 6,100 पे ही लगना है, और कितने महीने का, मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून और जुलाई पर जो है 4 महीने का ब्याज लगाया जाएगा 6,410%, 4 महीने का 4/12। और ब्याज जो है यहां पर ये आपका आ जाएगा 203 रुपए। पेमेंट कितना करेंगे, पेमेंट जो किया जाएगा टोटल जितना भी बैलेंस बच रहा है 6,405 रुपए जो है भुगतान कर दिया जाएगा। वैसे भी कितना हो रहा है 6,100 प्लस जो ब्याज है वो कितना है 102 प्लस ब्याज 203, इस राशि का जो है भुगतान जो है पेमेंट जो है वो कर दिया जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए। अब हमें बनाना है साझेदारों का जो पूंजी खाता है, जो कैपिटल अकाउंट है, वो तैयार करना है। सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष लिखिए। प्रारंभिक शेष दिया गया है 30,000, 30,000 और 20,000। ये आपको पूंजी का शेष दिया गया है 30,000, 30,000 और 20,000, ये हम दर्ज कर देते हैं। और इसके पश्चात क्या आ जाएगा, जितना भी रिवॉल्यूशन पुनर्मूल्यांकन पर लाभ और हानि है उसका हस्तांतरण। तो 2000 का लाभ आया था, 5:3:2 के अनुपात में आ जाएगा 1,600 और 400 रुपए। इसके पश्चात जो भी रिजर्व का बैलेंस दिया गया था 6,000 का, उसका हस्तांतरण 3,000, 1,800 और 1,200 रुपए। लाभों में जो है मिट्टी का हिस्सा 1,000 था, बाई पीएनएल सस्पेंस 1,000 रुपए का हस्तांतरण। गुडविल यानी ख्याति जो थी 7,000 की, रिमेनिंग टू रिटायरिंग बाई नित्य, बाई सत्य, और अमाउंट किसमें जाएगा, मिथ्य के कॉलम में, कितनी राशि 4,375 और 2,625 किस प्रकार से दर्ज की जाएगी। जबकि यहां क्या आएगा, टू मिथ्य 4,375 और सत्य के कॉलम में 2,625। और जो ऑलरेडी ख्याति खाता पुस्तकों में खुला हुआ है उसे पुराने अनुपात में 5:3:2 के अनुपात में बंद किया जाए। ये इस प्रकार से क्या कर देंगे, अपने ट्रांसफर जो है कर देंगे। अब मिथ्य का बैलेंस निकाला जाएगा, यहां की जो है टोटल करेंगे 20, 21, 22, 26 और 2, 28,600 रुपए। अट्ठाईस और एक कितना आ जाएगा, 29,600 रुपए। और 1,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा,
अब इनका सीएसवी निकाल लेते हैं कितना आएगा, टोटल लिखते हैं पहले 34,000 और इसका टोटल आएगा 32,400 और यहां पर जो शेष आएगा वो कितना आ जाएगा, यह शेष आ जाएगा 32,400। अब क्या करते हैं हम, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, चिट्ठा जो है वो तैयार किया जाएगा। चिट्ठे में क्या करना है, जो चेंजेस है यानी पेटेंट में, प्रीमिसेस में, प्लांट एंड मशीनरी में वो चेंज लिखने हैं। इसके अलावा जो साझेदार सेवानिवृत्त हुआ है उसका या उसके उत्तराधिकारी का ऋण खाता, पूंजी का अंतिम शेष, ये सारे बैलेंसेज जो चेंजेस है या रोकड़ में कोई चेंज हुआ है, कोई साझेदार लेकर के आ रहा है या विड्रॉन कर रहा है, तो वो अपने को चेंजेस लिखने हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट आ गया आपका 10,000, प्रीमिसेज में चेंज था कि भाई मूल्यांकन जो है वो 25,000 पर किया जाए, और जो मशीनरी थी उसके मूल्य में कमी की थी 30 के स्थान पर 25,000 पर, ये लीजिए 25,000। स्टॉक में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं था, बिल्कुल वही 13,000। जो पुरानी बैलेंस शीट में जो शेष दिए गए हैं वही लिख देंगे, देनदार में कोई चेंज नहीं है, देनदार आ जाएगा 8,000। पेटेंट 6,000 के थे, मूल्यांकन 8,000 पर, तो यहां आ जाएगी 8,000 रुपए। और रोकड़ शेष कितना दिया गया था, 8,000 रुपए, लेकिन अब 4,200 रुपए जो है मिथ्या को भुगतान किया वो घटा दिया जाएगा, ये लीजिए 8,000 माइनस 4,200 रुपए, यहां आ जाएगा आपका 3,800 रुपए रोकड़ शेष या बैंक शेष। पीएनएल सस्पेंस नया ग्रेड हो गया 1,200 रुपए, जो कि साझेदार, जो साझेदार सेवानिवृत्त होता है या मृत्यु होता है उसे लाभों में हिस्सा पीएनएल द्वारा देते हैं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वही राशि लिख देंगे 14,000। और ये बैलेंस शीट कब बना रहे हैं, इमीडिएट तुरंत बाद की यानी 1 अगस्त की बना रहे हैं, तो जितना भी राशि मिथ्या के ऋण खाते में गया है वह राशि जो है अपने को यहां पर दर्ज करना है 24,400 रुपए। और कैपिटल जो क्लोजिंग बैलेंस है 27,125 और आपका 28,275, 27,125 और 28,275, यह राशि जो है जोड़ करके बाहर लिख देंगे 55,400। और बैलेंस शीट का जो है दोनों पक्षों का योग लगा दिया जाएगा, योग आ जाएगा 93,800 रुपए। ये इस प्रकार से जो है बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।